बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाओ न्यू अपडेट टीवी में। प्यारे से दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लिया करें ताकि जब भी वीडियो सेंड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप लोगों को पता है कोई भी नई से नई अपडेट आती है सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आज की जो खबर है बहुत खास होने वाली है। टूरिस्ट वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं, आप लोगों का रिजेक्ट हो चुका है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक तोहफे से बढ़कर कुछ नहीं होगी। वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है वीडियो को, ताकि किसी भी मेरे भाई का अगर फ़ायदा होता है इस वीडियो की वजह से, तो हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा इससे फ़ायदा उठाए, लेकिन उठाए लाजमी। आपको बताऊँ कि दुबई का विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा था। आप बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, ज़्यादातर एज की वजह से आप लोगों का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। लेकिन अब उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है, दुबई वालों ने ख़ास तौर पे, कि किसी का भी वीज़ा एज लिमिट की वजह से, अगर आपकी 20 से 30 या 40 या 60 या 50 कितनी भी उम्र है, वो आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा अब लगेगा, लाजमी लगेगा। क्योंकि वीज़ा उन लोगों ने ओपन किए हुए तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन एजेंट वगैरह उनको वीज़ा, जो भी वीज़ा लेने जाते हैं उनको वीज़ा लेके नहीं दे रहे थे, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके भाग जाए। अब वो भी थोड़ा सा उन लोगों ने जो सख्ती है वो कम की है, कि अगर कोई भी बंदा विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेके जाता है, वो काम के लिए वहाँ पे जाता है, और आप लोगों को वहाँ पे काम अगर मिल जाता है, तो वही जो आपका वीज़ा है वो आप लोगों का रेजिडेंट वर्क वीज़े में तब्दील कर दिया जाएगा, अकामे वाला वीज़ा आप लोगों का बना दिया जाएगा, और आप लोगों को जो जॉब्स हैं वो 100% मिलने के चांसेस हैं। तो इससे फ़ायदा आप लोगों ने उठाना है, लाजमी उठाना है, ताकि जितने मेरे भाई 8-8 महीने से घरों में बैठे हैं उनका फ़ायदा हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।